हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। टुडे आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किंगडम फंजाई का। अब कुछ और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो इन सब पांचों किंगडम में से कहीं नहीं है, जैसे कि वायरस, वायरोइड और लाइकेन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं वायरस क्या है। ये नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म, एक सेल का गुण होता है कि उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें सेल ऑर्गेनल होते हैं। लेकिन वायरस में क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। सिर्फ प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल, इसमें और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट मतलब ये पैरासाइटिक तभी हैं जब किसी लिविंग होस्ट में हैं, नहीं तो ये कोई दूसरा मोड नहीं रख सकता। इसमें इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। जब लिविंग सेल के बाहर है तो ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। जैसे ही एक बार इन्फेक्ट, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लीकेट द देम सेल्फ। जैसे ही उसमें इंटर करेगा, ये उसके मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा खुद को रेप्लीकेट करने के लिए, क्योंकि इसका रेप्लीकेशन का मशीनरी इसके अंदर नहीं होता है और होस्ट को किल कर देता। इसका जो नाम है वायरस का वो दिया गया था पास्चर डीजे लोवनोवस्की के द्वारा 1892 में। इस पर दो एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे प्रूव किया गया। सबसे पहले M.W. बेजिरनेक है, जिन्होंने एक्सट्रैक्ट किया एक इन्फेक्टेड प्लांट, टोबैको प्लांट जो था, इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया और देखा कि उससे इन्फेक्शन हो सकता है एक हेल्दी प्लांट में भी। इस एक्सट्रैक्ट को, जो फ्लूड था, उसको उन्होंने कहा कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम, मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड, मतलब एक लिविंग फ्लूड जो इन्फेक्ट कर सकता है एक हेल्दी प्लांट को। दूसरा एक्सपेरिमेंट इस पर हुआ था, W.M. स्टैनली ने 1935 में किया। उन्होंने बताया कि ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन होते हैं और ये जब आउटसाइड होते हैं तो इनर्ट होते हैं, जब ये स्पेसिफिक होस्ट में जाते हैं तभी ये एक्टिव होते हैं और ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इतना बात हम लोग वायरस के बारे में जान गए। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो टाइप में अगर बात करेंगे तो होस्ट के बेसिस पे कि किस किस तरह होस्ट होते हैं, ये चार तरह के होते हैं। एक प्लांट वायरस, जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जनरली जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। दूसरा एनिमल वायरस, जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, इसमें वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, या तो आरएनए होगा सिंगल या डबल, कुछ भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। मतलब एनिमल वायरस में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। अब है बैक्टीरियल वायरस, वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। यूजुअली इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये बैक्टीरियोफेज से याद आया कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो गंगा का पानी है उसको बहुत दिनों तक रखने के बाद, विशालों पर रखने के बाद वो गंदा नहीं होता। कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है? वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफाज होते हैं, मतलब एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरियोफाज होने के कारण उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन कर सकते हैं या जिसके कारण इन्फेक्टियस सबस्टांस रिलीज होता है या पानी गंदा होता है, वो उसमें बैक्टीरिया रहने नहीं देता। वो बैक्टीरियोफाज सभी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है, मतलब किल कर देता है, इसलिए गंगा का पानी गंदा नहीं होता। अब है वायरस को एक्चुअली अगर देखेंगे सिंपली तो उसमें एक प्रोटीन कोट होता है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड, जो कि स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमर, जो इसका काम होता है जिसका कि वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं फिगर में, ये TMB वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें आरएनए है ये और ये कैप्सिड है, छोटे छोटे कैप्सिड है, जिसको ये छोटे छोटे एक एक जो है इसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमर और इस पूरे को हम लोग कहते हैं कैप्सिड, जो प्रोटीन कोट है। हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री में ये अरेंज्ड होते हैं और ये है बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि डिजीज कौन कौन सा होते हैं।
तो एनिमल में बात करें तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल डिजीज हैं। प्लांट की बात करें तो कैसे सिम्टम्स शो करेंगे अगर वायरल डिजीज होगा, तो जैसे कि मोजेक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रॉलिंग होने लगेगा, कर्लिंग होने लगेगा, एलोइंग होने लगेगा, वेन क्लियरिंग होने लगेगा, ड्वार्फिंग हो जाएगा, छोटा हो जाएगा प्लांट, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। ये सभी फिगर से देख सकते हैं, ये टोबैको मोजेक वायरस में ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ये कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है, ये बार्ली येलो ड्वार्फ है। ये अलग अलग प्लांट डिजीज हैं जो कि वायरस के कारण हुए हैं। एनिमल की बात करें तो इबोला वायरस अभी मोस्ट रिसेंट में सबसे फेमस वायरस था, इबोला वायरस। अब वायरवाट क्या है? वायरवाट 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था, एक नया इन्फेक्टियस एजेंट, ए न्यू इन्फेक्टियस एजेंट जिस जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए था, मतलब एक लो मॉलिकुलर वेट फ्री आरएनए जिसमें कि प्रोटीन कोट नहीं होता, वायरस से भी छोटा होता है। वायरस में तो प्रोटीन कोट और आरएनए या डीएनए कुछ भी पाया जाता है, इसमें सिर्फ ये एक फ्री आरएनए है जो डिजीज काउज करने का पोटेंशियल रखता है, इसको हम लोग कहते हैं वायरवाइड। ये वायरस से छोटा होता है, ये पोटैटो में डिजीज काउज कर सकता है, ट्यूबर डिजीज। अब बात करते हैं हम लोग लाइकेन की। लाइकेन हम लोग बेहतर जानते हैं कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलगी और फंजाई का। जो अलगल पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं फाइकोबायंट। फाइको का मतलब ही होता है एल्गी और माइको मतलब होता है फंजी, तो फाइकोबायंट और माइकोबायंट। ऑटोट्रॉपिक होते हैं फाइकोबायंट एल्गी, जो कि प्लांट का पार्ट है तो ये ऑटोट्रॉप होगा, ये इसको फूड देता है, और ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं खुद से क्योंकि भोजन नहीं बना सकती, ऐसे फूड लेता है, और ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है रहने के लिए, घर देता है। तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियरी रिलेशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसको कहते हैं हम लोग। ये एक गुड इंडिकेटर है पॉल्यूशन का, दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया, किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकता, नहीं करता है, इसीलिए ये इसको पॉल्यूशन का एक गुड इंडिकेटर माना जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और दूसरों को मदद करें। अगर आपके मन में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल है इस चैप्टर से, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, या किसी और टॉपिक से या चैप्टर से, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी हैप्पी।